हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर इन एसएसटी फॉर थर्ड क्लास, जिसका नाम है इंडियन गवर्नमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के बारे में, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में स्पेशली। देखिए, अलग अलग कंट्री जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज होती हैं, सभी जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, अमेरिका है, तो ये हर किसी की गवर्नमेंट जो फॉर्म होने का तरीका और गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से होती है। इंडिया जो है वो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, उसी के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है ये गवर्नमेंट और उनके बाद। तो पीपल लिव इन अ डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो देखिए, हमारी जो कंट्री है वो जो पीपल्स हैं उसमें अलग अलग जगहों पर लोग रहते हैं। तो कंट्री आर मैनेज्ड बाय द सर्टेन ग्रुप, ठीक है, तो कुछ ऐसे ग्रुप बनाए जाते हैं जिसके द्वारा जो हमारा कंट्री है वो चलाया जाता है। तो वो जो ग्रुप है वो मेक अप गवर्नमेंट, वो ग्रुप जो है वो हमारे यहाँ क्या है, गवर्नमेंट का काम करते हैं। तो गवर्नमेंट इज अ बॉडी, ये एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये लोगों को, कुछ पीपल्स का ऐसा ग्रुप है जो हमारी इंडिया को गवर्न करते हैं, यानी कि चलाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू, और कुछ डिसीजन अपने अंडर रखते हैं जिसके द्वारा हमारी इंडिया या फिर किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की बात करूँ तो उसको वो रन करते हैं। अब इंडिया की अगर बात करें तो वी हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या है डेमोक्रेटिक वो हम देखते हैं। तो देखिए, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म होती है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी के अंदर, जिसमें जो लीडर होता है कंट्री का वो हमारी बाय वोटिंग, यानी कि जो इंडियन लोग हैं इंडिया की वोटिंग के द्वारा वो चुने जाते हैं, ठीक है। तो इसका एक प्रोसीजर भी होता है वोटिंग का। तो जो प्रोसेस है बाय विच पीपल जो है वो चूज किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, तो हम जो लोग होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, वो एक इंसान को अपने रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करते हैं जो कि उनकी आवाज बन के बोले, ठीक है, मतलब हर पार्टी का एक लीडर बनाया जाता है, ठीक है, जो कि क्या कर फॉर्म होते हैं, फिर उसके गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट नोन एज उसको इलेक्शन फॉर्म कराते हैं। इंडिया क्या करते, इंडिया में क्या होता है, इलेक्शन जो है हेल्ड होते हैं रेगुलर इंटरवल, मतलब हर कुछ समय के बाद अपने जो है इंडिया के अंदर इलेक्शन चलते रहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिया के अंदर ये कंडक्ट कराती है इलेक्शन। तो इलेक्शन जो है इंडिया में कौन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन कराती है इंडिया की, बहुत ही सिंपल और पीसफुल मैनर में वो कंडक्ट कराती है, जहाँ पर पुलिस फोर्स भी लगी होती है, पीपल्स जो होते हैं वो लाइन में जाते हैं, वोटिंग करते हैं मशीन्स में और लॉट कराते हैं, तो सब कुछ जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर आता है। तो हर एक जो सिटीजन जो 18 साल से ऊपर का है वो उसके पास अधिकार होता है हमारे इंडिया में वोट देने के लिए, यानी कि अपना सिटीजन नागरिक चुनने के लिए, अपना लीडर चुनने के लिए उसके पास ये राइट। तो इंडिया जो है बहुत ही बड़ा और डाइवर्स, मतलब एक अलग टाइप का कंट्री है जो औरों से कंट्रियों की अपेक्षा। तो यहाँ पर क्या है, ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही गवर्नमेंट पूरे इंडिया को चला दे। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्शन जो होते हैं वो गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल यानी कि स्टेट लेवल पर होते हैं, एक पूरे इंडिया लेवल पर और एक स्टेट लेवल, यानी यूपी का अलग, राजस्थान का अलग, इस तरीके से। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी जी है वो हमारे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि पूरा ऑल ओवर इंडिया की एक गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके प्राइम मिनिस्टर है पीएम। और जो हम स्टेट लेवल के, जैसे अगर हमारे जो उत्तर प्रदेश की मैं कहूँ तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट दैट कम्स इन द पावर, जो गवर्नमेंट पावर में आती है यानी कि इलेक्शन होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिनकी होती है वो रिस्पॉन्सिबल उठाती है कंट्री की और उनके लोगों की, ठीक है, उनके अंदर सब कुछ आ जाता है। जैसे आज नरेंद्र मोदी जी के अंडर है, उनकी पार्टी के अंदर ये पूरा इस तरीके से कवर है पूरी इंडिया, जो उनका दायित्व है, उनकी कर्तव्य है कि पूरे जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनके सिटीजन हैं, उनकी हेल्प करें, बेसिक जो नीड्स हैं जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर की बात करो उनको वो प्रोवाइड करें। तो इट्स इम्प्लीमेंट जो इंडिया में, तो ये करती है बेटर तरीके से और अच्छी तरीके से, जो सर्विसेज हैं उसको वो पूरा हो रही है। सर्विसेज में जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, पोस्टल सर्विस है, रेलवे, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ये भी अब बेहतर तरीके से चलती रहे, ये भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसका भरपूर ध्यान रखती है, ठीक है। अब देखिए, गवर्नमेंट के भी तीन रूप में तीन ब्रांचेस कर दी गई है, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। इस तरीके से गवर्नमेंट जो है तीन में हो गए, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। पहली है हमारी लेजिस्लेचर, जो कि एक ऐसी ब्रांच है हमारे गवर्नमेंट की जो हमारे लॉ को और रूल्स एंड जो गाइडलाइन है हमारे इंडिया के जो पीपल्स हैं वो हर कोई फॉलो करे, उनके लिए जो रूल्स और गाइडलाइंस और जो लॉ है वो बनाती है हमारी लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो लेजिस्लेचर, जो टीम होती है वो भी वोटिंग के थ्रू ही बनती है,
ठीक है, जो वोटिंग होती है उसके बाद हमारा एक इलेक्शन होने के बाद, जनरल इलेक्शन होने के बाद एक फॉर्म होती है जो है MPs, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म होते हैं। ये हमारी जो पार्लियामेंट हाउस है जो आप इमेज में देख रहे हो यहाँ पे, हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स ठीक है होल्ड करती है इंडियन पार्लियामेंट। तो MPs जो होते हैं इनकी यहाँ पर मीटिंग होती है पार्लियामेंट हाउस में, देयर ड्यूटीज होती है, उनकी ये कर्तव्य होता है कि वो रूल्स को और रेगुलेशंस को सभी सिटीजन्स तक पहुँचाएं बेटर तरीके से। उसके बाद आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव एक ऐसी ब्रांच है जो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो ऊपर बनाए गए हैं इसको बेहतर तरीके से वर्किंग में है कि नहीं है, और सभी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये इस चीज़ का ध्यान करती है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब आती है जुडिशरी। जुडिशरी एक ऐसी ब्रांच है गवर्नमेंट की जो इंश्योर करती है कि ये सारे जो लॉ हैं सभी इंडिया में, पूरी इंडिया में, वो सभी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो इसको फिर रूल्स एंड पनिश किया जाता है बाई किसके द्वारा, जुडिशरी के द्वारा। यानी कि हमारे में जो कोर्ट वगैरह जो बने हुए हैं वो सब इसी के अंडर आते हैं, जो कि मतलब इस को जो भी हमारी गलतियां होती हैं या हमसे कोई क्राइम हो गया ये सारी हमारी कोर्ट वगैरह में ही सॉल्व होते हैं, यानी कि जुडिशरी के अंदर। तो हमारे इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में वो हाईएस्ट कोर्ट है हमारे कंट्री। ठीक है, आई होप आपके यहाँ चैप्टर समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आपको इंडियन गवर्नमेंट के बारे में समझ में आया होगा। मैं जानता हूँ ये जो गवर्नमेंट जो टॉपिक है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन आप इसको अभी शुरुआत में धीरे धीरे पढ़ोगे तो ये आपको आने वाले टाइम में थोड़ा सा उसको और एनहेंस यानी कि समझ में आएगा। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।